गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपनी टीचर एग्जाम करने में। तो दोस्तों अब सिर्फ एग्जाम का 2 दिन बच गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। तो अब आप लोग अगर रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किए हो तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि एग्जाम का महज 2 दिन बचा हुआ है। आपका पता है कि जो फिजिक्स का एग्जाम है वो आप लोग का 1 फरवरी से स्टार्ट है और 1 फरवरी को ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोग को अगर आप लोग ने रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग से बस यही कहूँगा कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसीलिए के लिए ये जो वीडियो आ रही है, जो वीडियोज आप लोग को मिलेंगी अभी, ये जो फिजिक्स का 5-7 वीडियो मैं डाल दूंगा, 5-7 वीडियो अगर पढ़ करके जाते हो तो 70-80% मार्क्स आपके लिए सिक्योर हो जाएंगे। 80 नहीं तो 70% मार्क्स एकदम डेफिनेटली है जो कि आप लोगों के लिए सिक्योर हो जाएंगे। आप 2 मिनट वीडियो देख लेना, आप 2-4 क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद इसे आप इसे खुद डिसाइड करना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो ये शायद 5 नंबर हो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, जो मतलब कि हम जो टोटल वीडियो डालेंगे फिजिक्स का, टोटल वीडियो जो फिजिक्स का डालेंगे वो हम 7 वीडियो डाल सकते हैं, जिसमें से आप शायद ये पहला नंबर का वीडियो देख रहे हो, या फिर ये आपका ये दूसरा हो सकता है, या तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 या 7 कोई भी वीडियो ये हो सकता है, ठीक है। जिसमें कि सारे के सारे वीडियो में आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हाँ 1 तारीख तक आप लोग पूरा वीडियो देख जा रहा है ताकि आप लोग ऐसे जितना भी तैयारी अगर नहीं हुआ है, रिविजन नहीं हुआ है, तो आप लोग ऐसे रिविजन हो जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं 1 फरवरी के लिए है, टोटल नंबर ऑफ सेट कितना है, 5 से 7 है, यानी कि ये शायद आप लोग देख रहे हो तो ये शायद सेट नंबर 1 होगा या सेट नंबर 2 होगा। कोई भी वीडियो आप लोग ऐसे उठा करके देख लेना, आपको 1 तारीख तक ऐसे 5 से 7 वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि ऐसे आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, तो आप लोग का ऐसे बेनिफिट होगा। तो इसलिए जो भी बच्चे अगर ऐसे वो रिविजन नहीं कर रहे हैं तो रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से भी मत पढ़िए, सिर्फ रिविजन कीजिए। जितना पढ़ा आप लोग ने बहुत हो, अब बस रिवीजन पर ऐसे ध्यान दीजिए, जो भी पढ़े उसको रिवीजन कर लीजिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी ऐसे, बायोलॉजी केमिस्ट्री और मैथ्स के भी जल्द से जल्द जिस दिन एग्जाम होगा उसके 1 दिन पहले ऐसे वीडियो डाल दिया जाएगा, 5 से 7 वीडियो ऐसे आ जाएगा ताकि आप लोग का ऐसे डाउट क्लियर हो जाए, आप लोग ऐसे दिक्कत खत्म हो जाए, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग पूरे के पूरे, और मैं बता दे रहा हूँ सेम टू सेम, अगर मान लो ये 5-7 आप लोग जो वीडियो देखोगे फिजिक्स में, तो उसमें सारे के सारे में यही बोलूँगा, बार बार जो भी मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में वही आप लोग ऐसे रिपीटेड रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा का पूरा ऐसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन सारा का सारा डिफरेंट रहेगा, हर तरह से क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। किसी वीडियो में आप लोग को 40 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में आप लोग को ऐसे 50 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में 60 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में 100 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप लोग का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वो एक होगा। उन सारे वीडियो में से आप लोग का देख लेना, हर एक क्वेश्चन में से आप लोग अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप लोग अगर कहना, तो इसलिए से चलिए वीडियो को ऐसे आप लोग देखिए, आराम से देखिएगा, पूरा पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे याद हो जाए। मिलते हैं वीडियो में, आप लोग से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 1 फरवरी के लिए हम लोग ऐसे तैयारी कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब प्रकाश की एक किरण किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी शीशा यानी कि किसी ग्लास में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तब उसका वेवलेंथ क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, क्या होता है? तो दोस्तों फर्स्ट का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, घटता है। तो कोई भी किरण जब किसी शीशा में प्रवेश करती है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि समान फोकस दूरी आपका दिया हुआ एफ, ठीक है, तो यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 सारे लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। इफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ इक्वल फोकस डिस्टेंस एफ आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन द फोकस डिस्टेंस ऑफ द कोइंसिडेंस। यहां पर कह रहा है कि कोई 2 लेंस है जिसका फोकस दूरी समान है, जब हम लोग उस दोनों फोकस दूरी वाले लेंस को मिला देंगे तब उसका जो नई फोकस दूरी बनेगा यानी कि वो जो नया लेंस बनेगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, f/2। क्या राइट आंसर है? सी, ऑप्शन सी, f/2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर का नियम है, ब्रेवेटर्स लॉ। आपको यहां पर पूछ रहा है ब्रूस्टर का नियम क्या है, आप लोग कमेंट करेंगे जल्द से जल्द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, μ=10 IP, μ = 10 IP इसका राइट आंसर है। तो ब्रूस्टर का नियम है μ = 10 IP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज लीस्ट। तो आपको यहां पर कह रहा है कि निम्न में से किसके पास सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, निम्न में से यानी कि ये चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर होगा सी, गामा किरणें। तो गामा किरणें के पास जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आप लोगों को आना चाहिए सर, काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछता है सेम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है अनंत, इन्फिनाइट। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फिनाइट होती है। सेम टू सेम जब भी पूछेगा वक्रता त्रिज्या तो आपको यहाँ पर समतल दर्पण का ही पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक उत्तल लेंस की उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया गया है, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का द हेमिस्फीयर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय हिम। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, उस उत्तल लेंस को जो है ऊपरी भाग को रंग कर दिया गया है काले रंग से। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो नया प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, यही आपको कह रहा है। तो दोस्तों सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीव्रता कम होगी। तो वो जो नया प्रतिबिंब बनेगा, वो जो नया प्रतिबिंब जिसको ऊपर से ब्लैक कर दिया गया है, वो जो नया प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता कम होगी, तो इंटेंसिटी विल डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक लेंस जिसका म्यू दिया हुआ 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। द फोकस डिस्टेंस इन द एयर ऑफ लेंस म्यू दिया हुआ 1.5 इज 20 सेंटीमीटर, द फोकसिंग डिस्टेंस ऑफ द लेंस इन द रिफ्रेक्टिव मीडियम 1.5 वुड बी। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप यहां पर क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में बनाना ही नहीं है, आपको सबसे पहले थ्योरी बनाना है। जितना आपके पास टाइम बचेगा उतना आप सब्जेक्टिव में देंगे, ठीक है। इस बार आपके पास ऑप्शन दुगुनी है, 70 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं बनाना। अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो दोस्तों आपका टाइम 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही पूरा खत्म हो जाएगा, हो सकता है 35 पूरे भी ना, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। अब यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक लेंस का जो वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्फिनिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शून्य। तो किसी भी बिंदु पर जब आप सभी धाराओं का योग करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट आवर इज अ यूनिट। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर होगा ए, ऊर्जा। तो किलोवाट मात्रक यानी कि किलोवाट आवर किसका है, ऊर्जा का मात्रक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज पावर। इसी तरह का इजी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, इजी क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा इस बार। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, वी स्क्वायर बाई आर। तो विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होती है, वी स्क्वायर बाई आर, सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेंस का नियम संबंध है, आपको पूछ रहा है लेंस रूल इज रिलेटेड। तो लेंस का जो नियम है, जो उसने नियम दिया था, वो किससे संबंधित है, चार्ज से, आवेश से, द्रव्यमान से, किससे है। तो दोस्तों 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊर्जा से। तो लेंस का जो नियम है वो ऊर्जा से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चल कुंडली धारा मापे की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, द सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग हॉरोस्कोप कैन बी इंक्रीज। तो यहाँ आपको कह रहा है कि क्या आप कीजिएगा धारामापी कुंडली पर, जिससे आपका सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, धारामापी सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, यही आपको सिंपली पूछ रहा है, यानी कि सेंसिटिविटी आपको बढ़ाने के लिए कह रहा है, सेंसिटिविटी। तो दोस्तों 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। तो जब आप कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वहां पर आपका धारामापी की सुग्राहिता जो है बढ़ेगी, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग हॉरोस्कोप कैन बी इंक्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। किसी कुंडली के स्व प्रेरकत्व की माप होती है, आपको यहाँ पर कह रहा है सेल्फ अटैचमेंट ऑफ अ हॉरोस्कोप इज अ मेजर। तो यहाँ आपको कह रहा है कि किसी कुंडली के स्व प्रेरकत्व की माप होती है, विद्युतीय जड़त्व की, विद्युतीय घर्षण की, किसकी होती है। तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है विद्युतीय जड़त्व की, यानी कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मुक्त आवेश का पैरावैद्युतांक होता है, द फ्री स्काई हैज एन डाइलेक्ट्रिक। आपको यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि मुक्त आवेश का जो पैरावैद्युतांक है वो कितना होता है, आप उसका आंसर बताइए। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए, 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुक्त आवेश का पैरावैद्युतांक कितना होता है, इतना, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा उस 14 क्वेश्चन को। 64 सामान्य बूंद है जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा, यही क्वेश्चन मान लीजिए आप जब भी क्वेश्चन पूछा सेम इसी तरह 64 सामान्य बूंद। तो देखिए यहाँ पर द 64 कॉमन ड्रॉप इच विथ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफराड कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप।
तो 64 सामान्य बूंद है जिसका धारित आपका दिया हुआ है। अब मिलकर एक बनाता है तो उसका क्या होगा, आपके यहाँ पर पूछ रहा है कैपेसिटी क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 माइक्रोफराड। जब भी ये क्वेश्चन आए यही आपका आंसर होगा, और बिहार बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन पूछा यही क्वेश्चन पूछ रहा। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक कूलम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होते हैं, हाउ मेनी ईएसयू इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली कह रहा है कि एक कूलम चार्ज जो है वो कितने ईएसयू के बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है 3 × 10⁻⁹। 3 × 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर होते हैं एक कूलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता, इफ अ स्ट्रिप ऑफ ग्लास इज मूव्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द एयर कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस। आपको यहाँ पर कह रहा है कोई शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, भरेगी या घटेगी। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए बढ़ेगी। क्या होगी इसकी धारिता, इसकी धारिता जो है बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तीन संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता दिया हुआ सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता होगी। आपको यहाँ पर कह रहा था 3 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर क्योंकि तीनों धारिता सेम है इसलिए यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो इसका एलसीएम निकलेगा सी, और ऊपर में 1 + 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3/C आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो तीन धारिता जिनमें से प्रत्येक का यहाँ पर सेम है, सी है और सरणीक्रम में जुड़ा है, तो सरणीक्रम का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। न्यूमेरिकल बनाने पर दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन जाती है इसलिए मैं अक्सर नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को भी नहीं बनाना है, आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता की विमा है मैग्नेटिज्म डायमेंशनल। आपको पूछ रहा है कि चुंबकशीलता की विमा क्या है, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिज्म। दोस्तों बिहार बोर्ड में अक्सर बार जब भी पूछा गया ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, उसके बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा गया, ठीक है। तो चांस है इस बार भी इस क्वेश्चन को पूछने का, अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग इसको रट लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए MLT-2 I-2। तो चुंबकशीलता की विमा है MLT-2 I-2, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लोहे का परमाणु है आयरन एटम इज, तो आपको यहाँ पर कह रहा है लोहे का परमाणु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। तो लोहे का परमाणु है फेरोमैग्नेटिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। SI पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इज, तो आपको कह रहा है कि SI पद्धति में यानी कि चुंबकीयशीलता का SI मात्रक सिंपली आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेनरी पर मीटर। क्या है, हेनरी पर मीटर यानी कि हेनरी बटर मीटर आपका राइट आंसर होगा। तो SI पद्धति चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी पर मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, एम्पलीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 0 से लेकर के 1 के बीच। 0 से लेकर के 1 के बीच हमेशा मान होता है किसका, आयाम मॉडुलन सूचकांक का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा है IE, आधार धारा है IB तथा संगारक धारा है IC। अब इसके बीच आपको रिलेशन पूछ रहा है यानी कि संबंध में, यानी कि IE, IB और IC के बीच आपको संबंध पूछ रहा है। द एक्शन ऑफ NPN ट्रांसफर ट्रांसिस्टर हैज रिलेशन बिटवीन इमिटिंग करंट IE, बेस करंट IV एंड कलेक्टर करंट IC। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है और सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IC इज इक्वल टू IE-IB। IE-IB तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो दोस्तों 24 का आपका राइट आंसर है घटता है। तो जब हम लोग अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उस समय आपका जो है प्रतिरोध घटता है, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, द लॉजिक गेट शोन इन द फिगर इज, तो दोस्तों ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो दोस्तों एंड गेट, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर एंड गेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो दोस्तों a.b = y, ये हो गया एंड गेट। और नंद गेट को कैसे करते हैं, नंद गेट को ऊपर में लगा देंगे तो ये हो जाएगा नंद गेट, ठीक है। और यहीं पर अगर प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट, और ऊपर वाला जैसे कि यहाँ पर देखिए a+b = y, ये हो गया आपका क्या, और गेट। और ऊपर में अगर लगा देंगे ये तो ये हो गया नॉर गेट, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछेगा ये आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
हाइड्रोजन बम आधारित है। आपको पूछ रहा है हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोजन जो बम है वो किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, विखंडन और संलयन दोनों पर, यानी कि फिजन एंड फ्यूजन दोनों पर है हाइड्रोजन बम आधारित। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक आवृत्ति होती है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, कौन सी किरण की होती है? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर है गामा किरणें। तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा किरणें की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डायोड का उपयोग करते हैं, यूज डायोड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दिष्टकारी की भांति, यानी कि लाइक द डेकोरेटर। तो डायोड का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो है दिष्टकारी की भांति के लिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, लेमडा इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा का। ठीक है, आपको आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 29 का आपका राइट आंसर है एससी बाय लेमडा, यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा, एससी बाय लेमडा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है एससी बाय लेमडा। ये क्वेश्चन लगभग पिछले बार 2020 में भी पूछा था, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द सिग्नल ऑफ फोटोन। तो आपको सिंपली कह रहा है कि कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है निम्न में से, निम्न ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 30 का आपका वो है ऑप्शन सी, एच बाय लेमडा। कौन करता है, एच बाय लेमडा करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको कह रहा है यूज्ड एज अ लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, जेनर डायोड, लेजर डायोड, कौन होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोटो डायोड। तो प्रकाश संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है फोटो डायोड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, समान स्थिति में दो इलेक्ट्रॉन तथा दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का अनुपात होगा। आपको सिंपली पूछ रहा है कोई समान स्थिति में रखा गया है दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो प्रोटॉन। अब पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको अनुपात पूछ रहा है सिंपली उसके बीच का बल का, यानी कि इसके बीच का बल का अनुपात आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1। कितना होगा, 1 होगा। तो जब सेम आ जाए, यानी कि प्लस प्लस आ जाए और माइनस माइनस आ जाए, समान स्थिति आ जाए, तो दोस्तों वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अनुपात क्या होगा बल का, 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, समान धारिता के एन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में, ध्यान से देखिए, समान धारिता के एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर सरणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होगा। एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर एडेड फर्स्ट इन पैरेलल ऑर्डर, देन इन सीरीज ऑर्डर, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ द स्टेट विल बी। तो आप लोग को सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पहले संधारित्रों को पहले समांतर में जोड़ा गया है फिर श्रेणी में। ठीक है, पहले समांतर में फिर श्रेणी में, यही सिर्फ आपको याद रखना है। और इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, एन स्क्वायर एन। तो इस तरह करके जब भी होगा तो इसका राइट आंसर हमेशा यही होगा, एन स्क्वायर रेशियो 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर की दिशा होती है। सिंपली आपको पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण जो है उसकी दिशा किधर होती है, ये आपको पूछ रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है दक्षिण से लेकर के उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, सॉरी आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं करता है, यही आपको याद रखना है, कोई कोई नहीं को नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, दैट कंडक्टर फोर्स ऑफ द कॉयल डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कुंडली के प्रतिरोध पर। तो कुंडली के जो प्रतिरोध पर, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ द कॉयल, तो कुंडली के प्रतिरोध पर जो है कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है, बाकी तार के लपेटनों पर, यानी कि तार जो लपेटा हुआ होता है उस पर करता है, फ्लक्स पर, परिवर्तन पर उस पर करता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं तो वैसे भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर नियत रहने वाली भौतिक राशि है, द फिजिकल अमाउंट कॉन्स्टेंट इन द ट्रांसफार्मर इज। तो आपको सिंपली यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर नियत रहने वाली भौतिक राशि है, कौन सी राशि है ट्रांसफार्मर नियत, यानी कि कॉन्स्टेंट रहने वाली। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर जो है क्या होती है, आवृत्ति जो है वो कांस्टेंट रहती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा, इसी तरह का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी, आप जाके देखिए 4-5 वीडियो करके सभी का अपलोड किया हुआ। अगर आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों 100% गारंटी देते हैं आपको कि 35 में आप 35 को सॉल्व करके आएंगे ही, इसलिए आप जरूर देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों को, ताकि सब कोई पढ़ पाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार कोई पढ़ सही से नहीं पाया है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम होगा सबसे पहले तो आपको इस चैनल पे एग्जाम तक तैयारी कराई जाएगी जितना हमसे हो सके, और दोस्तों जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो आंसर की सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और पढ़ते रहिए, और हाँ रिवाइज जरूर कीजिए।